students, I am Mohammed Aman at Siddiqui, and today we will start our topic addition of integers. Now before starting the addition of integers, हमें ये जानना ज़रूरी है कि integers क्या है. तो what are the integers? Number line में आने वाले सारे के सारे number को हम integers बोलते हैं. Number line means अगर ये यहाँ पर मैं 0 put करूँ तो 0 के right side में जितने भी numbers आएंगे, that is all are positive numbers, and उसके जो left side में numbers आएंगे that are negative numbers. Example 0, 1, 2, 3 up to positive infinite, 0, minus 1, minus 2, minus 3 up to negative infinite. So 0 से ये positive infinite तक और 0 से ये negative infinite तक जितने भी numbers आएंगे all are known as a integers. यानि कि number line में जितने भी numbers आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Integers. Now addition of integers. Addition of integers is a quite very simple topic. So let's start with the example number 1. We will take a very easy example. Let it be 10 plus 20. Now they both are integers. If we add 10 plus 20, of course it will become 30. I will just take this example to explain you कि sign कैसे हम put करते हैं. तो देखो, 10 के सामने कोई भी sign नहीं है, तो हम उसके सामने positive sign लगाएंगे. Then plus plus becomes plus, so 10 plus 20 becomes 30, and जो भी नंबर इन दोनों नंबर में बिगर है, बड़ा है, 10 और 20 में कौन सा बड़ा नंबर है? ऑफ कोर्स 20 इज अ बिगर नंबर. तो 20 के सामने जो साइन लगी है वही साइन हम 30 के सामने भी लगाएंगे. सो दिस इज अ रूल ऑफ एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स. हम दो इंटीजर्स को जब भी ऐड करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने जो साइन है वही साइन हम अपने फाइनल आंसर्स में लगाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई टेक द सेकेंड एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन, let it be suppose 7 plus 3. I am taking very simple example so that aapko confusion na ho. 7 plus 3, 7 ke samne koi sign nahi hai, we will consider it as a positive sign. So plus plus becomes plus, to 7 plus 3 become 10. Kaun sa number greater hai dono mein? 7. Aur kaun sa sign hai? Plus. To hum kya likhenge? Plus. Right. Let us take the third example. अगर addition of integers में मैं third example लूँगा, तो third examples इस type से consider कर लेते हैं कि minus 10 plus of 30, minus 10 plus of 30. Again, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको कि minus plus क्या होता है. ये आपने पहले पढ़ा है, minus plus becomes minus. अगर माइनस प्लस माइनस होता है तो 30 में से 10 को पहले माइनस कर लो. 30 माइनस 10 कितना होगा? 20. राइट. अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है कि 30 बड़ा है? साइन को छोड़ के देखेंगे तो ऑफ कोर्स 30 बड़ा है, और 30 के सामने कौन सी साइन लगी हुई है? पॉजिटिव. तो हमारा आंसर आएगा प्लस 20. माइनस 10 प्लस 30 बिकम्स प्लस 20. राइट. एक आध और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा हायर ऑर्डर नंबर का. सपोज माइनस 260 प्लस 50. अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके सॉल्व करके देख लीजिए. इट्स अगेन क्वाइट वेरी सिंपल. माइनस प्लस बिकम्स माइनस. सो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो आप क्या करोगे? सो 260 माइनस 50. सो पहले तो माइनस प्लस माइनस है, तो 260 बिगर से स्मॉलर को माइनस कर लो. 260 माइनस 50 कितना हो जाएगा? ये 6 में से 5 गया, 1 2, विच इज 210. दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑफ कोर्स 260. तो साइन आ जाएगी माइनस 210. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Fifth example will take, suppose 35 plus of minus 335.
35 plus of minus 335. Now see, this is another example in which most of the students get confused because of this two sign and this bracket. Now यहाँ थोड़ा सा समझना, जब भी दो साइन के बीच में एक ब्रैकेट आता है तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होती है. अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी किसी दो साइन के बीच में ब्रैकेट्स आएंगे तो ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. मीन्स व्हाट, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 335, राइट? प्लस माइनस बिकम्स माइनस 335. सो टेल मी नाउ, 35 माइनस 335, अगेन 35 के सामने कोई भी साइन नहीं है, वी विल कंसीडर इट एज अ प्लस साइन. नाउ प्लस माइनस माइनस, सो 335 माइनस 35 बिकम्स 300. 335 माइनस 35 बिकम्स 300. नाउ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑफकोर्स 335 है. कौन सी साइन है? माइनस. तो हमारा आंसर आएगा माइनस 300. क्लियर है? नाउ दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट. आप ये ब्रैकेट वाला कंसेप्ट याद रखना. और अगर मैं एक और एग्जांपल आपको लेके समझाना चाहूँ तो हम एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं. लेट इट बी एग्जांपल नंबर 6. इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन डेट फाइंड द सम of 150 and minus 50. Find the sum of 150 and minus 50. देखो generally question में brackets लगे हुए नहीं आते. Question में direct लिखा होगा find the sum of 150 and minus 50. सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगेन सेम ब्रैकेट बहुत की रोल प्ले करता है. दिस इम्प्लाइज कि अगर 150, क्योंकि सम बोला है तो पॉजिटिव साइन ही आएगा, और वहाँ माइनस है तो जनरली स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं. लेकिन ध्यान ये देना, जब भी हमारे पास दो साइन आपस में आ रहा है, ये प्लस साइन तो इस सम का है, ये माइनस 50 यहाँ दिया हुआ है हमको, तो ये माइनस 50 के लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स लगाएंगे. ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है. जब भी नंबर माइनस में दिया हो उसके सामने आप ब्रैकेट्स लगाओ तो क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई वर्जन में आपको दिखेगा, आइदर इन दिस सिंपल टॉपिक एडिशन और आगे जब फैक्टराइजेशन आएगा. जब भी माइनस साइन वाला कोई टर्म होगा आप उसमें ब्रैकेट्स लगाओ, ठीक है? देन 150 अगेन प्लस माइनस बिकम्स माइनस 50 अगेन. 150 माइनस 50 बिकम्स, ये लिख देता हूँ, बिकम्स 100. और 150 50 में कौन बिगर वन है? 150 बड़ा है, इसके सामने कौन सा साइन है? पॉजिटिव. तो हम इसको लिखेंगे प्लस 100. राइट स्टूडेंट्स, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो इसको लाइक करना और अपने आपस में फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करना. और इसके बाद हमारा कमिंग अप टॉपिक रहेगा सब्स्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. थैंक यू.